आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जो भी है सबको मेरी तरफ से। कि आज मेरे साथ एक ऐसे दोस्त हैं साथ में जो इंदौर में जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया पिछले 7 सालों से, 7-8 सालों से, और उनकी वजह से इंदौर में इन्होंने इसमें बहुत ज़बरदस्त योगदान किया। और आपको पता होगा कि इंदौर को इस वक्त 6 टाइम, 6ठी बार सिक्सर मारा इंदौर ने क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही उनको मैंने साथी को से यहाँ पे बुलाया, हमने इनको दावत दी थी यहाँ पे। इनका नाम श्री गोपाल जगताप है, और जगताप जी इस वक्त चारी शरीफ में, हम इस वक्त चारी शरीफ में हैं, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में। यहाँ पे कल हम आए थे, यहाँ पे 2 दिन का नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस हो रहा है यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट पे, और ये ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ का जो मॉडल डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट का, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ्रेंस थी, आज 2रा दिन है, और जगताप साहब को मैंने यहाँ लाया है। और जगताप साहब को मैं चाहता हूँ आपसे बात करें, हम इनसे बात करें कि इंदौर साफ कैसे हुआ। इंदौर भी एक, मतलब जैसे कि यहाँ पर श्रीनगर है वैसे इंदौर भी था पहले, तो क्या वजह थी इंदौर कैसे साफ हुआ, और हम अपने कश्मीर को साफ क्यों नहीं कर सकते हैं, हम अपने श्रीनगर को या चारी शरीफ टाउन को या डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को हम साफ सुथरा क्यों नहीं बना सकते इंदौर के मॉडल की तरह। इंदौर हमारे पास एक मॉडल है इस वक्त। जगताप जी, आपका बहुत बहुत आपका वेलकम कश्मीर में। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी जो चारे शरीफ के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, श्रीनगर के लोग हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लोगों का शहर है और खूबसूरत माहौल है। जिस प्रकार से माहौल है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे मुझे बुलाया इस सोशल कॉज के लिए, क्योंकि अभी स्वच्छता तो हमारा एक धर्म है, तो उस धर्म को हम सभी लोग अपनाएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंदौर में जो आपने काम किया, थोड़ा सा आगे चलते रहेंगे हम, वॉक द टॉक टाइप का है, बिल्कुल, ये बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा इनको दिखाएंगे जो हमारे व्यूवर्स है वो भी देखे कश्मीर की खूबसूरती कैसे, आपके फॉलोअर भी मेरे भी। तो पहले मुझे बताइए, देखो कश्मीर कितना खूबसूरत है, वैली है ऑलरेडी, इसको जो है हमारी कुदरत ने कितना समाला माल कर दिया है, बट अनफॉर्चुनेट जो हमारा ये वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है या बाकी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, इसकी वजह से बहुत लोग तंग आ चुके हैं। और आपके पास भी ये प्रॉब्लम थी मुझे पता है, क्योंकि मैं आपके पास आया था 15 में 16 में, आपको पता है उस वक्त आप स्टार्ट कर रहे थे वहाँ पे ये। बट आपने तो ऐसा काम किया, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपने रिजल्ट दिखाया, 1 साल के अंदर ही दिखाया। तो यहाँ पे क्या वजह है, हम आपने कैसे काम किया, क्या वजह थी उसकी, और आपने वो काम कैसे, आपने अचीव कैसे गोल किए, चलिए थोड़ा तो देखिए, स्वच्छता जो है वो किसी एक व्यक्ति की जवाबदारी नहीं है, स्वच्छता पूरे जब सारे लोग मिलके, जो प्रशासन के लोग हैं, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल है, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जबरदस्त काम किया, पॉलिटिशियन है जितने पॉलिटिशियन है, जो मेयर, मुझे याद है जो आपके मेयर थे वो मैडम आई थी, कितनी जबरदस्त सपोर्ट करती थी आपको, कमिश्नर साहब कितने सपोर्ट थे आपके, तो जो कमिश्नर साहब का, मेयर मैडम का, और हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो पार्षद है, और उन्होंने एक सपना देखा, सारी डिस्कस किया कि हमें इंदौर को कहाँ ले जाना है, स्वच्छता में कहाँ ले जाना है, तो वो सारा चीजें धीरे और एकदम से नहीं, कोई भी सोचे कि एकदम से हम पूरा शहर बदल देंगे, वैसे नहीं, कुछ पायलटिंग किया, पायलटिंग सक्सेसफुल हुआ, कुछ वार्ड्स में किया, पहले किया, और वो वार्ड को धीरे धीरे करके, पहले 2 वार्ड में किया, फिर 10 वार्ड में किया, फिर धीरे धीरे करके पूरे शहर में किया। जगताप साहब मुझे बताइए, ये जो काम तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तो स्टार्ट किया, बट इसमें भागीदारी थी, जन भागीदारी थी, लोगों की भागीदारी भी थी, जो आपके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, खासकर एनजीओज है जैसे आप थे या बेसिक्स थी उन दिनों, या आपका ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। तो आपने काम कैसे किया, आपने साथ साथ में क्या आपको कई चैलेंजेस आई गवर्नमेंट के साथ काम करने में, आप जी एनजीओ हो, आप जी ये हो, आप नहीं कर सकते, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करते रहते हैं, तो आपने ये काम कैसे किया। देखिए, जब आपने हाथ से हाथ मिलाया तो मुझे लगता आपने अचीव किया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि अगर आप किसी काम को करें और कमिटमेंट के साथ में करें, और कमिटमेंट के साथ में करें, पूरी प्लानिंग के साथ में करें, और एक आउटपुट बेस्ड काम अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट आता है, सारा लोग सपोर्ट करते हैं। तो जो हमने 2 वार्ड में पायलटिंग किया, वो वार्ड में जब इम्प्लीमेंट किया, उसमें जब सक्सेसफुल मिली, दो वार्ड में, तो और वो 2 वार्ड भी ऐसे नहीं कि छोटे वार्ड थे, लगभग 1 वार्ड में वहाँ पे 5,000-5,500 घर होते हैं, तो वो वार्ड में हम लोगों ने स्टार्ट किया, पब्लिक को इन्वॉल्व किया, पब्लिक का जबरदस्त रोल था, और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पूरा सपोर्ट किया कि यार ठीक है, 2 वार्ड में हम पूरी ताकत लगाते हैं। तो 2 वार्डों में जब पूरी ताकत लगाई, तो उस और उसकी अवेयरनेस जो है, जो हमारे 85 वार्ड्स में गई, कि हम उसका वीडियोस बना रहे हैं, उसमें लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें रेडियो एफएम वाले इन्वॉल्व हैं, उसमें मीडिया इन्वॉल्व है, कि ये देखिए 2 वार्डों में हो सकता है, तो 85 वार्ड में देखिए। मैं जो हमारे व्यूवर्स, इंडियन व्यूवर जो है, देखिए इन्होंने क्या क्या, पहले इन्होंने 2 वार्ड्स में काम किया,
जो हमारे व्यूवर देख रहे हैं, फॉर इन्फॉर्मेशन, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कश्मीर के लड़के इनके साथ काम करते थे वहां पे, थी ना जी, एक, एक आए 15-16 में 3 लड़के कश्मीरी वहां पे काम करते थे, वो वापस आए सीख के। यहाँ पे भी हमने पायलट किया था बड़गाम में टाउन में, एक चेंज लाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली 2016 की बात है ये, बट अनफॉर्चुनेटली उसको फिर एक साल के बाद कंटिन्यू नहीं किया गया, वरना हम भी काम नहीं थे। जगताप साहब यहाँ भी आए हैं पहले, कश्मीर में भी कश्मीर मस्जिद करे यमो काम शुरू बड़गाम टाउनस मज, लड़के करी ट्रेन कश्मीर, कश्मीर लड़के गए इंदौरस मज ट्रेन, यमो कश्मीरो लड़को इंदौरस मज काम हेच, पा दो यति करो ये दुबो ये छुन काम कर वो पत। अनफॉर्चुनेट है ये, हमारे बच्चे सीख के आए थे, पता नहीं हम आज बड़गाम टाउन कहाँ पे होता। चौड़ा टाउन भी हमने कवर किया, चार शरीफ भी हमने किया होता। चलिए कभी देर नहीं होती है, मैं चाहूंगा कि इस काम को हम रेप्लिकेट करें। तो आपको क्या लगता है चारी शरीफ के बारे में, थोड़ा बताइए। तो मैं यहाँ पे पिछले 2 दिनों से हूँ और चारी शरीफ जो मैं सुन रहा हूँ बता रहे हैं, एक धार्मिक स्थान है, शुद्ध स्थान है, पवित्र स्थान है। तो अगर जो इंदौर मॉडल है उसको सिर्फ रिप्लीकेट करना है, वो हर जगह रिप्लीकेट हो सकता है, तो उस मॉडल को यहाँ पे रिप्लीकेट किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है, बहुत अच्छे से रिजल्ट आ सकते हैं। और चारे शरीफ ही नहीं, श्रीनगर हो गया, बड़गाम हो गया, तो इन शहरों में बहुत आसानी से, बहुत सही तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ देखा एक पॉजिटिव माहौल भी है, पब्लिक है, एनजीओज हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कल जो वर्कशॉप में थे कॉलेज के बच्चे हैं, जो जिन्होंने कल बहुत अच्छा चाहते हैं कुछ करना जज्बा एक है। यस, तो और कश्मीर इतनी सुंदर है, मतलब सारा चीजें, तो अपनी जो वाटर बॉडीज हैं या ओपन ड्रेन्स हैं या रोड साइड हम कचरा देख रहे हैं, अगर वो क्लीन हो जाए तो एकदम सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो ये आसानी से किया जा सकता है। देखिए इस वीडियो के जरिए से मैं अपने गवर्नमेंट से, अपनी अथॉरिटी से, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम हो, चाहे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हो, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हो, LG साहब हो, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जगताप साहब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। श्री गोपाल जगताप जी, इन्होंने इंदौर में तो एक रेवोल्यूशन कायम किया, ये एक नाम है, हमने इस नाम को ही लाया साथ में यहाँ पे, खुद ही आए, इतना बिजी शेड्यूल होता है इनका, पहले भी आए 16 में भी, तब भी हमने एक स्टार्ट किया था यहाँ पे, उसके बाद उसको कनेक्ट, उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सके, एक सक्सेस स्टोरी थी वो हमारी म्यूनसिपल कमेटी बड़गाम के, अभी भी बेचारे बोलते रहते हैं वो वहाँ पे, बट फिर अपर लेवल पे, डायरेक्टोरेट लेवल पे प्रॉब्लम हो गई। ऐसे ही हमने गाँव देहात में काम किया होता, और जबकि स्वच्छ भारत ग्रामीण में यार बाकी जितने भी हैं उनमें प्रोविजन है, यू हैव टू इन्वॉल्व द टेक्निकल पीपल, जो ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, कंपनीज हैं छोटी छोटी, आप इनको इन्वॉल्व करो। जब तक कि हम ये चीजें नहीं करेंगे, यहाँ पे एक और काम हो सकता है, जितने भी लोग हैं, जो पंचायत के लोग हैं या म्यूनसिपल बोर्ड के लोग हैं या म्यूनसिपल कार्पोरेट, उनके लोगों को भी ट्रेन किया जा सकता है, मतलब पता ही नहीं है लोगों को भी काम तो कैसे करना है? वो भी एक पार्ट हो सकता है, ट्रेनिंग ओरिएंटेशन वगैरह, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कैसे डोर टू डोर कलेक्शन करना है, कैसे प्रोसेसिंग करना है, लो कॉस्ट मॉडल क्या हो सकते हैं, कैसे प्लानिंग करना है, अगर वो भी, वो एक पार्ट भी अगर कर दिया जाए तो वो भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा साइन होगा, क्योंकि अगर किसी को अधूरा पता है या पता नहीं और वो इम्प्लीमेंट करता है तो वो सक्सेस नहीं होता। अगर सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से सारा लोगों को पता हो और जब वो इम्प्लीमेंट करे कि मुझे कहाँ पर कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो एक सिस्टम बनेगा और वो इम्प्लीमेंट होगा और वो पूरे शहर में बहुत जल्दी से जल्दी। जगताप साहब मुझे बताओ, आप लिक्विड वेस्ट का भी ट्रीट करते हैं, सॉलिड वेस्ट भी करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट भी करते हैं, क्या आप वो लिगेसी वेस्ट का भी करते हैं जो पुराना वेस्ट होता है? तो उसके लिए काफी, जैसे मतलब कहीं दरिया, अभी हमारा लिगेसी, हमारी दूध गंगा है इस पे, या हमारा जहलम है, दूध गंगा पे इतना पुराना वेस्ट है, 7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल का, 5-5 साल का, तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो लेगेसी वेस्ट अगर है तो जैसे इंदौर में बहुत अच्छा काम हुआ या और भी शहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेगेसी वेस्ट पे, तो एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, बायो रिमेडिएशन वाली जो बात है, तो वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी टीम है जो इसको करती है, तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है, और उससे जो मटेरियल निकलेगा वो मटेरियल को भी वापस से यूज किया जा सकता है, वो पूरा फर्टिलाइजर के रूप में जो कंपोज ही होता है मोस्टली, तो वो कंपोज है, और जो प्लास्टिक निकलेगा उसको हम सीमेंट इंडस्ट्रीज या रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं, तो उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट है, अगर हम करना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम। देखिए साथियों, करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है जो जमीन से जुड़े हुए साथी हैं, 8 साल से कॉन्स्टेंटली वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं इंदौर में, इंदौर को मॉडल बनाया, इनके साथ अपनी टीम है, इनकी साथ में इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी थी, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क, ही इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। मैं चाहूँगा कि सरकार को इनको बुलाना चाहिए,
फॉर्मली बुलाना चाहिए ताकि ये कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, ट्रेनिंग कर सके। ऐसे एक्सपीरियंस लोग हमें नहीं मिलेंगे। कॉन्फ्रेंसों के लिए हमें बहुत लोग मिलेंगे, हमको वर्कशॉप के लिए बहुत लोग मिलेंगे, बट जो जमीनी सतह पर ये काम कर रहे हैं, जो कचरे को हाथ से उठा रहे हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड आदमी हैं, उन्होंने जमीनी सतह पर दिखा के दिखाया है कि हम इसको बदल सकते हैं। इस वक्त इंदौर ने सिक्सर मारा, 30 टाइम इंदौर जो है क्लीन सिटी बनी इंडिया की। मैं चाहूंगा जम्मू कश्मीर सरकार को श्री गोपाल जगताप सिंह से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और इनको यहाँ पे भी इंदौर मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए हमारी सरकार को। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। थैंक यू।